मैं फिर से आपका वेलकम करता हूं और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिव्यू के अंदर मैंने कुछ टैब्स आपको ग्रुप बता दिए थे और आप आगे की वीडियो में कुछ ग्रुप्स रह गए थे वो आज की वीडियो में हम ऑल कंप्लीट करेंगे सारे यहां पर सारे कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग बिगिनर हो तो यहाँ पर शुरू से देख सकते हो सीरीज, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले यहाँ पर मैं विनवर्ड ओपन करूंगा और विनवर्ड ओपन करने वाले रिव्यू पे क्लिक करूंगा, और रिव्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ओपन हो चुका है रिव्यू, और यहाँ पर हम बेसिक कमेंट के लिए हम एक कमांड डालते हैं, एक पैराग्राफ आ गया, और यहाँ पर आप छोटे से कुछ कमेंट करते हैं हम यहाँ पर कमेंट। लास्ट वीडियो में भी मैंने कमेंट बता रखे, अगर नहीं पता हो तो पिछली वीडियो भी देख सकते हो, इसमें भी मैं दोबारा करा दूंगा। चार कमेंट यहाँ पर मैंने करे हैं जो यहाँ पर आइकन के रूप में शो हो रहे हैं। अगर मैंने पूरी तरह देखने हैं तो मैं शो पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर ढंग से मेरे सारे कमेंट अच्छे से दिख जाएंगे। कोई भी कमेंट हम करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, कोई भी कमेंट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया, कमेंट का पता चल गया, और डिलीट वगैरह भी करना चाहो डिलीट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर चेंज केस का क्या यूज होता है, ट्रैक चेंज केस, तो ट्रैक चेंज, तो यहाँ पर ट्रैक चेंज का क्या कर सकते हैं हम यूज। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने एक्टिव करा और करने के बाद मैंने यहाँ पर शो आइट पे क्लिक कर दिया, हटा दिया। अब यहाँ पर योर मैं डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी वर्ड जब डिलीट करूँगा तो साइड में आइकन दिखाई देगा कि यहाँ पर हमने कुछ मिसिंग है या कोई कस्टमाइज किया है मैंने। तो जैसे ही देखो यहाँ पर मैंने कुछ दो वर्ड यहाँ पर टाइप करे और यहाँ पर एक आइकन बना आ गया और ये बता रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डिलीट हुआ है। और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कंप्यूटर, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ऐड करी हैं, मतलब कुछ वर्ड ऐड करे, जैसे कंप्यूटर ऐड करा, कुछ वर्ड निकाले हैं। तो कोई भी आपके डॉक्यूमेंट में ऐसा करता है तो वो आप चेक कर सकते हो, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं यहाँ पर, तो इसका पता चल गया। तो इस तरीके से यहाँ पर कमेंट शो करा सकते हैं। और यहाँ पर जाएंगे, पहला सिंपल है मार्क, ऑल मार्क पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है हमने क्या क्या करा है। तो यहाँ एक तो यहाँ पर कमेंट पता चल रहे हैं, दूसरे यहाँ पर क्या क्या वर्ड मैंने डिलीट करे हैं, वो जो उतने वर्ड मैंने डिलीट करे हैं वो डिलीट वाले दिख रहे हैं, और साथ में जो मैंने वर्ड ऐड करा है वो भी दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑल मार्क्स में आप पूरी पेज की इन्फॉर्मेशन जान सकते हो क्या क्या हमने चेंजिंग की है इसमें। तो अगले पे आते हैं, यहाँ पर नो मार्क, नो मार्क में हटा देगा और हमारा जो यहाँ पर वर्ड मीनिंग जो ऐड करें वह सिंपल दिखा देगा। और एक और ऑप्शन है लास्ट ओरिजिनल, ओरिजिनल में दिखाएगा, ओरिजिनल में दिखाएगा जैसा हमारा ये लास्ट टाइम पहले जो हमारा डॉक्यूमेंट था और वो दिखाएगा, और अब जो है चेंज वो हम बाकी में देख सकते। उसके बाद यहाँ पर कमेंट, हमें कमेंट शो कराना, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ऑल मार्क पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने कमेंट, देखो कमेंट यहाँ पर शो हाइड करा सकते हो, और दूसरे पे यहाँ पर डिलीट जो किए हैं डॉक्यूमेंट वो चेंजिंग किए वो हटा सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर्मेटिंग जो कर रखी है वो चेंजिंग कर सकते हैं यहाँ पर, और ये नीचे साइड में देख सकते हो और इधर देख सकते हो, लेफ्ट राइट इन जगहों पर देख सकते हो। तो इसका क्लियर हुआ, और जितनी भी चीज़ें चेंजिंग की है हमने यहाँ पर वो एक्सेप्ट करनी है, रिजेक्ट करनी है, वो आपके अकॉर्डिंग है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट, और यहाँ पर रिजेक्ट करता हूँ, जो भी चीज़ रिजेक्ट करूँगा वो मेरा वापस आ जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। तो कितने रिजेक्ट किए कितने एक्सेप्ट करिए वो हम चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो। अगला जो हम सीखते हैं कंपेरिजन, मतलब दो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चेंजिंग है, क्या क्या सेम है, वो चीज़ें हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ, मैं वहाँ पर सिखाता हूँ, जैसे कि इसे हटा देता हूँ। रिव्यू में जाते हैं और यहाँ पर मैंने देख सकते हो डिलीट करता हूँ, यहाँ पर एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पर रखा है और उसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट वन, एक और नया पेज ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर ऊपर और एक नीचे में डॉक्यूमेंट, इसको भी सेव कर देते हैं डॉक्यूमेंट टू के नाम से और कट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर विनवर्ड ओपन करते हैं और व्यू में जाते हैं और कंपेरिजन पे क्लिक करते हैं और यहाँ कंपोज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर ओरिजिनल फाइल हमारी एक कोई डॉक्यूमेंट वन, और जो हमारी नॉर्मल जो बनी है सेकेंड डॉक्यूमेंट, और ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके कर देंगे यहाँ पर देख सकते हो दोनों डॉक्यूमेंट फाइल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और रिसीव डॉक्यूमेंट।
यहाँ देख सकते हो कोई चेंजिंग हो रही हो तो यहाँ पर देख सकते हो, ये सारी तीनों चीज़ें आ रही है, ये डॉक्यूमेंट हमारा रेडी हो रहा है और इसमें पता चल रहा है क्या चीज़ सेम है क्या चीज़ अलग अलग है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो इसको हटा देते हैं हम, आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हुआ हो गया होगा। न्यू पे आते हैं कंपेरिजन, अब यहाँ पर लास्ट आता है डॉक्यूमेंट, एक और हमने डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वन था। उसके बाद हम रिव्यू पे जाते हैं और यहाँ प्रोडक्ट शीट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखो रिसेट पे क्लिक करेंगे और एवरी वन इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे ही डाल गए 1 2 3 1 2 3 और देन ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर देखो पासवर्ड लग गया और यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट टूल्स लॉक हो चुके हैं तो ये वर्क नहीं करेंगे। तो जब भी हम सेव कर देंगे इसको, अब देखो हम दोबारा से इसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और जैसे ही मैंने यहाँ पर ओपन किया है तो ये देखो पासवर्ड लगा हुआ है और जैसे हम इसमें वर्क करने की कोशिश करते हैं ये बोलता है प्रोडक्ट शीट पासवर्ड डालना है 1 2 3 पासवर्ड डालते हैं सही और यहाँ पर देखो हम वर्किंग कर सकते हैं नॉर्मल। रिव्यू में आते हैं, ये वाला हो गया क्लियर। और जो ये हाई लिंक है ये ऑप्शन जब ये एक्टिवेट होगा जब यहाँ पर ड्रो का हम आगे का करेंगे हाइड कर सकते हैं लिंक, जो अगर लिंक होंगे इसमें उनको हाइड कर सकते हैं जैसे मार्क वगैरह करना होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, तो समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।